बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं मैम नोट्स कब मिलेंगे कहाँ से मिलेंगे कब प्रिपेयर हो जाएंगे तो नोट्स बिल्कुल प्रिपेयर हो चुके हैं और चाहे आप सोल्ड यू एनसीब इग्नू आईपी कोई से भी यूनिवर्सिटी के तो ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्या क्या बेनिफिट्स है वो मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ इजी लैंग्वेज है बिल्कुल ईजी लैंग्वेज है बिल्कुल आपको बस उतना ही पढ़ना है जितना उसमें मेन मेन लिखा है फ्लो चार्ट मिल जाएंगे फ्लो चार्ट से आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है एग्जाम ओरिएंटेड है जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड ही टॉपिक डाले गए हैं वही क्वेश्चन डाले गए हैं जो आपके एग्जाम में दिखेंगे ही दिखेंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको वही करने हैं और फालतू क्वेश्चन नहीं करने हंड्रेड परसेंट पासिंग नोट्स हैं ये मतलब अगर आपने ये कर लिया यानी कि जो फिफ्टी नाइन रुपीज है वो अफोर्डेबल प्राइस है और अगर आपने खरीद लिया तो आपको लगेगा कि पैसा वसूल है टोटली पैसा वसूल हो जाएगा आप लोगों का आपको उसके बाद कोई टेन ईयर लेने की जरूरत नहीं है कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है बस आपको ये नोट्स पढ़ने हैं और आप हंड्रेड पास हो जाएंगे अच्छे मार्क्स के साथ ठीक है सो ये दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको नोट्स मिल जाएंगे थैंक यू सो मच हेलो एवरीवन वेलकम टू दिस चैनल आनेिक एजुकेशन पॉइंट माइसल फीना टक्कर और आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जी हाँ बी सी ओ सी वन थर्टी टू अगर आप लोगों का है इग्नू के स्टूडेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं आप लोग तो आपका ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा काम का रहने वाला है क्योंकि यूनिट नंबर टू जो है वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड स्किल डेवलपमेंट बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है ये यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आएगा तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना पूरा का पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है राइट तो so, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हम मेन मेन पढ़ेंगे हम कुछ फालतू नहीं पढ़ेंगे नोट्स आइए आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं आपको मिल जाएंगे सो so, इंट्रोडक्शन से हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे बट उससे पहले हम लोग सबसे पहले एक समरी देखना चाहेंगे ठीक है समरी देख लेंगे क्योंकि समरी की लाइन्स अगर आपको याद हो जाती हैं की आपको याद हो जाते हैं तो भी सफिशेंट है कि आप लोग उस मैटर को खुद बना के लिख सकते हैं बस अगर आपको रीड कर लिया एक एक दो दो लाइन भी आपने याद कर ली तो आपका काम आराम से हो जाएगा ठीक है तो स्टार्ट करते हैं कीवर्ड से यही आपके टॉपिक्स हैं जो कि अभी डिटेल में लिखे हुए हैं इतना ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं है मैं आपको बस समझाती जाऊँगी जो एग्जाम्पल मैं डेली लाइफ के दूँगी बस आपको वो भी वहाँ पर लिख सकते हैं कीवर्ड हैं क्रिएटिविटी क्या होती है तो क्रिएटिविटी इज अ फिनोमिना वेयर बाय समथिंग न्यू एंड सम हाउ वैल्यूएबल इज फॉर्म द क्रिएटेड आइटम मे बी अ इंटेंजिबल सच एन आइडिया साइंटिफिक थ्योरी अ म्यूजिकल कॉम्पोजिशन और अ जोक और अ फिजिकल ऑब्जेक्ट सच आ इन्वेंशन आ लिटरी वर्क और आ पेंटिंग यानी क्रिएटिविटी क्या है एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें कुछ नया होता है समथिंग न्यू एंड सम हाउ वैल्यूएबल इस फॉर्म कुछ वैल्यूएबल चीज़ देखने को मिलती है राइट और ये जो चीज़ क्रिएट होती है वो इंटेंजिबल भी हो सकती है मतलब हम उसको जो है देख नहीं सकते ना ही उसको टच कर सकते हैं लेकिन उसको फील ज़रूर कर सकते हैं जैसे कुछ आइडियाज़ वगैरह हैं ठीक है आइडिया को आप टच कर सकते हो देख सकते हो नहीं सिर्फ आप फुल फील कर सकते हो सॉरी फील कर सकते हैं ठीक है साइंटिफिक थ्योरी होगी म्यूजिकल कॉम्पोजिशन जोक वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें जो होती है क्रिएटिविटी लाने के लिए होता है जो कि आज के बिजनेसिस में यूज़ की जा रही है इसलिए आपको ये पढ़ाया जा रहा है ठीक है इन्वेंशन क्या होती है इन्वेंशन एक यूनिक है इन इन एन एन सॉरी इन्वेंशन इज़ अ यूनिक और नोवल डिवाइस मेथड कॉम्पोजिशन और प्रोसेस बेसिकली एक प्रोसेस मैं इसको मैं बोलूँगी ठीक है एक यूनिक मेथड बोलूँगी यूनिक प्रोसेस बोलूँगी कि इन्वेंशन करना बहुत ज़रूरी है अगर आप इन्वेंशन नहीं करते तो बहुत पीछे रह जाते राइट इनोवेशन क्या होता है इनोवेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है ऑफ ट्रांसलेटिंग एन आइडिया आपने आइडिया को जो कहीं ना कहीं ट्रांसलेट कर लिया इनोवेशन करिए इन्वेंशन इन अ गुड और सर्विस दैट क्रिएट वैल्यू फॉर विच कस्टमर विल पे अगर कोई आज के टाइम पर कस्टमर किसी चीज़ के लिए पैसे खर्च कर रहा है तो उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ देख रहा है इनोवेशन की होगी तभी उस चीज़ को लेकर वो अट्रैक्ट हो रहा है राइट सो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन बेसिकली है क्या एक एक्सटेंड ही तो है इनोवेशन का जिसके अंदर हम देखते हैं कि बेसिकली जो प्रोसेस होता है ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बहुत सारे जो लोग हुए वो काम कर रहे हैं ठीक है जिसमें एक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है वही हमारी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होती है ठीक है जिससे क्या है बेसिकली हमारे मार्केट में जो कॉम्पिटिशन्स आजकल इंक्रीज़ हो रहे हैं तो हम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पे जा रहे हैं राइट मेक इन इंडिया क्या है? मेक इन इंडिया है टाइप ऑफ स्वदेशी मूवमेंट कवरिंग ट्वेंटी सेक्टर ऑफ द इकानमी मतलब पच्चीस सेक्टर इकोनॉमी जो है उसको कवर किया गया और ये लॉन्च कब हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्वेंटी फिफ्थ सेप्टेम्बर टू थाउजेंड फोर्टीन जिसको जिसका मकसद क्या था एम क्या था इनकरेज करना कंपनीज़ को टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट इन इंडिया ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स खुद बनाएं इंडिया के अंदर ही ठीक ठीक है ताकि इन्वेस्टमेंट भी हो सके और आगे हम मेक इन इंडिया प्रोडक्ट पे काम कर सकें सो मेड इन इंडिया हम समझ गए हैं बेसिकली टैगलाइन है जो कि प्रोवाइड करी गई है प्रोडक्ट पे टैग लगा हुआ होता है कि ये जो प्रोडक्ट है वो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर हुआ है ये इंडिया का प्रोडक्ट है पहले आप देखते थे हर प्रोडक्ट के पीछे चाइना लिखा होता है मेड इन चाइना तो यानी कि वो चाइना के प्रोडक्ट्स हुआ करते थे फिलहाल अभी जो इंडिया में बन रहे हैं उसमें मेड इन इंडिया लिखा हुआ है टैगलाइन प्रोवाइड की गई है मेक इन इंडिया जो इंडिया में बन रहा है राइट डिजिटल uh, इंडिया क्या है डिजिटल इंडिया एक ऐसी गवर्नमेंट इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है इन 2015 के अंदर विद द एम ऑफ ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ डिजिटल नेशन डिजिटल नेशन में कन्वर्ट होने की ट्राई हो रही है जिसमें क्या हो रहा है काम है जो हो रहा है उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है गेटिंग कम्प्लीटेड एंड ऑल्सो कनेक्ट रूरल सेक्टर टू द अर्बन सेक्टर जितने भी गाँव के सेक्टर्स हैं वो अर्बन सेक्टर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है कि हर चीज़ डिजिटल हो रही है आजकल आप देखते हैं कि पहले हर एक चीज़ जो होती है मैनुअली होती थी आजकल हर एक चीज़ डिजिटल हो रही है ठीक है क्यों क्योंकि क्यों, क्यों, हमारा जो नेशन है वो कहीं ना कहीं डिजिटल पे काम कर रहा है इनोवेशन हो रही हैं टाइम टू तो टाइम स्टार्टअप इंडिया क्या स्टार्टअप इंडिया इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 2016 के अंदर 2016 के अंदर विद द एम ऑफ बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग इको सिस्टम बनाने के दैट इज़ फेवरेबल फॉर ग्रोथ फॉर स्टेटअप बिजनेस यानी कि जो हमारे बिजनेसेस के जो सेटअप्स हो रहे हैं उसमें ग्रोथ लाने के लिए स्टार्टअप इंडिया स्टार्ट किया गया था इनकूबलेटर क्या है जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन विच शोज़ द पार्ट टू अ सेटअप स्ट्रैटर्जी कंपनी स्पीड थ्योरी ग्रोथ एंड सक्सेस सक्सेस तभी मिलती है जब आप उस चीज़ पे काम करते हैं वर्क करते हैं राइट right, तो इस तरीके से है तो कीवर्ड्स तो मैंने इसलिए करा दिए हैं ताकि जो ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते हैं उनको लगता है थोड़ा बहुत समझना चाहते हैं तो वो समझ गए होंगे बाकी थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं ज़्यादा डिटेल में नहीं कराऊंगी क्योंकि फिर आप बोर हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा दे रखे हैं सो हम सिर्फ डिफरेंस देख लेते हैं जो जो हमारे काम का है राइट right? तो यहाँ से स्टार्ट है तो फटाफट डिफरेंस वड़ देख लेना आपको ये वाला दिस वन ठीक है तो डिफरेंस में आता है डिफरेंस अमंग क्रिएटिविटी इन्वेंशन इनोवेशन का तीनों का डिफरेंस कर लो ताकि इन दोनों में से कोई दो डिफरेंस पूछे किसी की डिफाइन पूछे आपको आराम से आंसर आता होगा क्रिएटिविटी क्या कहता है क्रिएटिविटी इज अ नोवल आइडियाज दैट आर कॉम्प्लिकेटेड यूजफुल एंड पेलिंग यानी बेसिकली काम तो आता है क्रिएटिविटी आप कब दिखाते हो जैसे कि आपके घर में कोई बर्थडे है या फिर कोई डेकोरेशन करनी है तो उसमें भी तो आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हो ना अब मान लीजिए कोई किसी का काम है कि वो केक्स बना रहा है राइट पहले के टाइम पे कुछ क्रिएटिविटी नहीं दिखती थी नॉर्मल केक बनाया और कभी साल में होता था कि का, केक काट लिया काट लिया लेकिन आजकल क्या है आजकल हर एक पर्सन को लगता है कि उसका जो बर्थडे है वो सेलिब्रेशन के लिए केक बहुत अच्छा होना चाहिए एनिवर्सरीज़ पे लोग मंगवाते हैं इनफैक्ट uh, कुछ लोगों के uh, रोका सेरिमनी होती है या फिर एंगेजमेंट होती है तो उसमें भी वो लोग uh, केक को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते दे हैं तो उसमें भी वो वहीं से बनवाते हैं जिनके केक में कुछ क्रिएटिविटी होती है कुछ यूनिकनेस होती है राइट तो इस तरीके के एग्जांपल्स हैं क्रिएटिव इज अ आइडिया ठीक है एंड कैन नॉट बी क्लैरिफाइड अंटिल इट इज़ अ मेड इनटू अ प्रोटोटाइप बेस्ड ऑन थिंकिंग ऑफ न्यू थिंग्स उसमें नई चीज़ें एड ऑन करना देखते होंगे कि मैं केक का ही आपको दे देती हूँ uh, देखते होंगे कि पहले मैंने सिंपल सा केक होता था ठीक है उस पर कोई डिज़ाइनिंग नहीं कुछ नहीं होता था ना नाम भी नहीं होता था मतलब नाम तो चलो ठीक है फिर भी लिख लिया जाता था मतलब नॉर्मल केक बेकरीज पर मिल जाता था लेकिन आजकल देख रहे हैं कौन कौन से केक्स आजकल आ रहे हैं बॉम केक आप लोग देख रहे हैं मतलब क्रिएटिविटी है हम लोग उस चीज़ को देख के अट्रैक्ट हो रहे हैं जो ये सारे प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं उनके केक आज बिक रहे हैं बट जो इन चीज़ों में डील नहीं कर रही है या ज, जो भी बिजनेस ऐसे हैं जिनमें क्रिएटिविटी अभी तक नहीं आई है तो वो बहुत पीछे रह गए हैं राइट क्यों बिकॉज ऑफ हाई कॉम्पिटिशन इन्वेंशन क्या है इन्वेंशन हमें बताता है क्रिएटिंग समथिंग न्यू यानी कुछ नया क्रिएट राइट अ न्यू टू द वर्ल्ड डिस्कवर और क्रिएटेड कुछ ऐसा जो कि सबको पसंद आए बेस्ड ऑन प्राइमरी साइंटिफिक स्किल्स लगानी होती है तो इन्वेंशन होती हैं चीजों की इनोवेशन क्या होता है मेकिंग द इन्वेंशन इन टू अ प्रोडक्ट फॉर्म प्रोडक्ट की फॉर्म में आपने बना दिया इन्वेंशन को तो इनोवेशन बन जाता है इनोवेशन इज अबाउट चार्जिंग अ पैटर्न फॉर डूइंग समथिंग बेस्ड ऑन ब्रॉड सेटअप स्ट्रैटेजिक मैथिक सॉरी मार्केटिंग एंड टेक्निकल स्किल्स इनोवेशन आजकल देख रहे हैं हर एक बिजनेसिस में हो रही हैं आप कोई सा भी आस पास एग्जाम्पल देख सकते हैं पहले हर चीज़ मैनुअली होती थी, थी। आजकल उसमें क्रिएटिविटी एड है इन्वेंशन हो रही हैं इनोवेशनस हो रही हैं क्यों क्योंकि ये करना बहुत ज़रूरी हो गया है हर चीज़ डिजिटल हो गई है हर हर पर्सन को नॉलेज है हर चीज़ की जिसके पास स्मार्टफोन है दैट मीन्स उसको फुल नॉलेज है वो कहीं से भी नॉलेज को गेन कर सकता है हर एक चीज़ पता है रील्स आप लोग देखते ही हैं ठीक है तो ये सारे हैं बाकी आप इसको आप डिडाउन कर सकते हैं Uh, उसके बाद प्रोसेस क्या है इनोवेशन का वो एक बार देख लेते हैं सबसे पहला क्या है सबसे पहला है आइडिया जनरेशन एंड मोबलाइजेशन द वेरी फर्स्ट स्टेप टू द प्रोसेस ऑफ द इनोवेशन स्ट्रेस ऑन जनरेटिंग एन आइडिया एंड देन फ्लोटिंग इट अ न्यू आइडिया कैन बी न्यू और कैन बी क्रिएटेड टू इम्प्रूव एन एग्जिस्टिंग आइडिया आपको बस एक लाइन याद रखनी है सिंपल सी कि नया आइडिया लाना कुछ नया करना कुछ बेहतर करना या फिर कोई पुर, जो पुराना आइडिया उसमें कुछ अच्छा सा कुछ डालना कुछ ऐड ऑन करना ताकि वो प्रोडक्ट बिकना लग जाए राइट तो यहाँ पे है जैसे आइडिया वॉज जनरेटेड वेन एम पी थ्री प्लेयर केम इन टू एग्जिस्टेंस बट द ऑर्गेनाइजेशन वेटेड बिफोर लॉन्चिंग द प्रोडक्ट ड्यूरिंग द स्टेप द कस्टमर एम्प्लॉयज पब्लिक एट लार्ज पार्टनर सप्लाई इनोवेशन शुड बी कंसिडर्ड ठीक है तो आप देखते हैं हर एक चीज़ आजकल हर कोई स्मार्ट हो गया एप्पल के एग्जाम्पल्स आप डाल सकते हैं आप वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल इज दैट ऑफ एप्पल ठीक है एप्पल वेटेड फॉर थ्री ईयर्स टू इंट्रोड्यूस आई पॉड्स आफ्टर एम पी थ्री प्लेयर वॉर्स इंट्रोड्यूस तो जरूरी नहीं है आपको ये एग्जाम्पल डालने आप कोई सा भी डाल सेकेंड पॉइंट क्या है हम लोगों का स्क्रीनिंग uh, है जिसमें हमें बताया जाता है कि ये जो uh, हमारा क्या पढ़ रहे हैं हम लोग इनोवेशन राइट तो इनोवेशन के अंदर क्या है द सेकेंड स्टेप जो हमारा ये बताता है द आइडिया ऑफ जनरेटर डो नाट है टू एडवोकेट द आइडियाज सो इट इज important फॉर द मैनेजर्स वर्किंग इन द फील्ड ऑफ फेसिटेट द आइडिया विच कैन बी कंसिडर फॉर स्क्रीनिंग राइट तो आपको बस इतना याद रखना है कि भाई सिंपल सी चीज़ है जो हमारे इनोवेशन के प्रोसेस हैं वन बाय वन होते हैं कि पहले आइडिया जनरेट हुआ फिर स्क्रीनिंग हुई फिर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ऐसे नहीं है कि हर एक चीज फटाफट हो जाती है जैसे अमेजोन का आप देख सकते हैं कि उन्होंने ग्रॉसरी डिलीवरी की सर्विस स्टार्ट करी थी ठीक है तो इस तरीके से हो गया मतलब धीरे धीरे एक एक करके स्टेप हुआ एक्सपेरिमेंट्स हुए वो सही सक्सेस रहे तो आगे बढ़ गए फिर कमर्शलाइजेशन हुआ यानी कि एक नया सेटअप मार्केट वैल्यू फॉर द आइडियाज मतलब फोकस किया उसके ऊपर पोटेंशियल इंपैक्ट कितना आ रहा है राइट तो टारगेट मार्केट जो होती है वो डिमांड देखनी पड़ती है कस्टमर्स की वो हो गया फिर डिफ्यूजन एंड इंप्लीमेंटेशन होता है कि लास्ट स्टेप होता है कि हाँ ये सारी चीज़ें हो गई हैं तो अब उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है इनोवेशन को कैसे एक्सेप्ट करना है और स्टेज को उस आइडिया को कैसे डेवलप करना है या कैसे प्रोड्यूस करना है राइट तो इस तरीके के पॉइंट्स थे तो आप इसको जो है रीड आउट कर सकें मेक इन इंडिया तो बस सफिशियंट है बाकी आप उसमें एग्जांपल्स डाल सकते हैं बाकी ये डिफरेंस आप देख सकते हैं uh, सबसे पहले मेन मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया में क्या डिफरेंस है तो सबसे पहले एफ ओ पी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है ये मेड इन इंडिया जो है फ़ॉरन में आता है जबकि मेड इन इंडिया जो है डोमेस्टिक है डोमेस्टिक क्या कहता है डोमेस्टिक कहता है कि मेड इन इंडिया है ठीक है ब्रांड इमेज क्या है मेक इन इंडिया के डज नॉट क्रिएट अ ब्रांड इंस्टीट्यूट इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट जबकि मेड इन इंडिया के इट इज़ अ ब्रांड फॉर एग्जाम्पल अमूल तो वो मेड इन इंडिया हो गया राइट डिजिटल इंडिया आप लोग बना के लिख सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है सो so, मैंने आप लोगों को समझा दिया है सेटअप वगैरह आप लोग देख सकते हैं पढ़ सकते हैं ये बाकी समरी में मैंने आप लोगों को करवा दिया है पूरा का पूरा ठीक है सो so, आपको कोई भी डाउट आता है आराम से आप कमेंट कर सकते हैं बिना किसी डिफिकल्टी के फिर आता है यूनिट नंबर थ्री सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स के बारे में राइट तो सबसे पहले हम अगर देखें एथिक्स से स्टार्ट करते हैं तो एथिक्स क्या है मोरल फिलोसफी इज द डिवीजन ऑफ फिलोसफी दैट इंक्लूड प्रोटेक्टिंग प्रिस्क्राइबिंग आइडियाज ऑफ गुड्स एंड बैड कंडक्ट राइट तो एथिक्स हमें क्या बताने की कोशिश करता है